Okay, so guys, take out book 12, page number 72. So I'm going to discuss this essay with you, and I'm going to discuss that how you can construct the ideas. Plus, we can see that what can be written in this essay. So the essay says, in a number of countries, some people think it is necessary to spend large sums of money on constructing new railways lines for very fast trains between cities. Others believe the money should be spent on improving existing public transport. Discuss both these views and give your opinion. So dekho, asi class, I think a day before this thing happened, chuttiyan to pehla, मैं थोड़े नाल डिस्कशंस कीतियां सी दैट वैन यू राइट ओपीनियन टास्क्स इन विच दे हैव आस्क्ड यू टू गिव योर आइडियाज ऑन बोथ द ओपीनियंस ऑन बोथ द व्यूज एंड दे आर ऑल्सो आस्किंग फॉर योर व्यू सो इन दिस सॉर्ट ऑफ एन एसे यू जस्ट राइट द इंट्रोडक्शन यू डिस्कस व्यू नंबर वन एंड यू डिस्कस व्यू नंबर टू एंड इन द एंड यू गिव योर ओन ओपीनियन सो हाउ दिस एसे विल पैन आउट फर्स्ट यू विल गिव द इंट्रो Then you will discuss view number one, then view number two, and in the last, you give your own opinion. So if I start with the introduction, now this essay is about basically transportation, because agar tusi first line ch vi dekho. वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वेरी हाई स्पीड ट्रेनस होनी चाहिए वेरी फास्ट ट्रेन बिटवीन टू सिटीज और दूसरे व्यूच की कह रहे हैं कि नहीं कि जो थोड़े को एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट है जो पुराना ट्रांसपोर्ट है उसनों तुसी इंप्रूव करने ते पैसा लगाओ बजाय के तुसी नवे फास्ट ट्रेनस नू क्रिएट करो सो देखो सारे का व्यू डिफरेंट हो सकता है परसनल ओपीनियंस डिफरेंट हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट सपोज करो तुसी एग्जाम देन जा रहे हो देर आर मोर दैन 300 स्टूडेंट्स 100 ऑफ 20 विल राइट यू नो के हाँ जी एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट पे पैसा लगाना चाहिए और मैक्सिमम लिख रहे हैं कि नहीं न्यू रेलवेज बनानी चाहिए या कुछ बोल रहे हैं थोड़े लोग न्यू बनानी चाहिए कुछ ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि नहीं एग्जिस्टिंग पे पैसा लगाना चाहिए सो दिस डजंट मैटर एज इट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन सो वॉट मैटर्स इज दैट हाउ यू कंस्ट्रक्ट एन एसे आर यू बींग रेलिवेंट और नॉट तुसी वोकैबलरी यूज़ की है यू आर यूजिंग कॉम्पलैक्स सेंटेंसिस और नॉट सो ये चीज़ा मैटर करती है पर्सनल व्यू पॉइंट्स मैटर नहीं करते अब अगर ऐसे आ जाए इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखो सो आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन आई विल राइट मोर एडवांटेजेस वेयर एज मोस्ट पीपल विल राइट मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेज सो इट डजेंट मैटर योर पर्सनल ओपीनियन इज योर्स बट वॉट मैटर्स इज कि तुहाडी उत्थे ग्रामेटिकल एरर्स नहीं हुई स्पैलिंग सही है तुसी वर्ड्स काउंट अपना पूरा रखे फॉर्मेट सही रखे तो थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर मैटर करता है सो इफ आई स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एज आई टोल्ड यू दैट इंट्रोडक्शन इज ऑन ट्रांसपोर्ट सो व्हाट यू कैन राइट देखो मैं जो पहला सेंटेंस लिखा ना इट इज़ अबाउट द प्रेजेंट सिनारियो मैं लिखा है एवरी वन दीज डेज प्रेफर हाई स्पीड ट्रेवल टू सेव टाइम एंड एफर्ट सो ऑब्वियसली कौन चाहेगा कि तुसी जे कैनेडा जाना चाहते हो तुसी 10 दिनों पहुँचो पुराने जमाने इतों की तुसी बॉम्बे भी जाना है मुंबई तक जाना है इट यूज टू टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम बट नाउ यू कैन रीच देयर ऑन अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ फ्लाइट सो दिस इज हाउ द ट्रैवल इज प्रेफर्ड बाय पीपल ऑफ टूडेज जनरेशन सो नोबडी विल वॉन्ट a longer period of time. So my current scenario bare likha ki everyone these days prefer high speed travel to save time and effort. Fir tusi ki likh sakde ho? Aap introduction hai ye, iski ek bari please screenshot le lijiye. Iske baad main continue kar raha hu. Ek line hui next line introduction thi. There's no denying the fact that it is important to link cities with high
speed, trains, but existing transport system should not be ignored. हुण देखो इंट्रोडक्शन च जो भी व्यू पॉइंट्स वाले एसेज आन यू हैव टू मेक श्योर कि तुसी दोनों व्यू पॉइंट्स दे कीवर्ड्स लिख रहे हो. एक मेरा व्यू पॉइंट सी फास्ट ट्रेन, मैं फर्स्ट लाइन च भी उहदा कीवर्ड लिखिया, सैकेंड लाइन च भी उहदा कीवर्ड लिखिया, लेकिन मैं दूसरे कीवर्ड नू इग्नोर नहीं कर सकता. सो मैं की लिखिया, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू लिंक सिटीज विद हाई स्पीड ट्रेन, बट एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुड नॉट बी इग्नोर्ड या कैनॉट बी इग्नोर्ड. इन इग्नोर नहीं कर सकते, उन्होंने भी इंप्रूव करना ही पड़ेगा. सो मैं दोनों चीज़ों इंट्रोडक्शन कवर करता. सो वैन आई स्टार्ट राइटिंग माई सैकेंड व्यू पॉइंट, सो बेसिकली मैं तुम्हें पहला भी दसिया सी, इहदी पिक्चर क्लिक कर लो. मैं तुम्हें पहला भी दसिया सी कि जदों तुसी आखिर च अपना ओपीनियन देना है और आप जिस चीज़ के साथ अग्री करते हो, दैट शुड ऑलवेज बी रिटन इन द सैकेंड पैरा, बिकॉज सेकेंड पैरा दैट इज बॉडी पैरा वन इज योर मेन पैरा. सो मोस्ट ऑफ योर आइडियाज विल बी रिटन इन दैट. सो आई हैव रिटन सम आइडियाज रिगार्डिंग फास्ट ट्रेन्स. सो देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फास्ट ट्रेन्स. द फर्स्ट वन इज दैट पीपल दीज डेज वॉन्ट टू लिव अवे फ्रॉम सिटीज. जो लोग हैं वो आजकल सिटीज से दूर रहना चाहते हैं. उसके बहुत सारे रीजन्स हैं. जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि सिटीज़ में द होम्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड व्हेन यू गो आउट ऑफ सिटी द होम्स आर लेस एक्सपेंसिव. सो इफ़ यू आर लिविंग आउट ऑफ अ सिटी एंड यू हैव टू वर्क इन अ सिटी, सो यू नीड फास्ट ट्रेन्स सो दैट योर टाइम ट्रेवल और योर ट्रेवल टाइम इज रिड्यूस्ड. इफ यू टेक वन आवर और डेढ़ घंटा तुम कम पर जाने लगता है तो सारी एफिशंसी जीरो हो जाएगी दिन की. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट. आजकल जड़े लोग हैं दे वॉन्ट टू लिव अवे फ्रॉम सिटी ड्यू टू मैनी रीजनस. आप एक दो रीजनस बता दो. एक तो महंगा है शहर पर रहना, प्लस आजकल उतने पॉल्यूशन ज़्यादा है. सो पीपल वॉन्ट टू लिव पीसफुली. सो इफ देर आर फास्ट ट्रेन्स इट विल बी बेनिफिशियल दैट दे कैन ईजिली वर्क इन सिटीज. सो इस गल में इतना घुमा फिरा के लिखना है. सेकेंड आइडिया, सेकेंड इज पीपल कैन यूटिलाइज टाइम इन ट्रेन्स. सो इफ योर ट्रेन्स आर फास्ट, इफ योर ट्रेन्स आर कन्वीनियंट, इफ योर ट्रेन्स आर लग्जूरियस, If your trains are better, so तुसी अपने time नू utilize कर सकते हो. If you have half an hour to reach a certain destination, if you have a luxury train, you can sit there, you can open your laptop, you can work from there. You are getting my point? कि तुसी आराम नाल उस time नू utilize कर सकते हो. कई नू गाने सुनने अच्छे लगते, कई नू गल्लां मारनी अच्छी लगनी, but there are some people who like to read books, who like to do their work. So उस time नू तुसी utilize कर सकते हो. Next is people can feel सेफ. पीपल सेफ क्यों फील करेंगे? क्योंकि जेडे एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन है वो पुराने हो चुके हैं. जोड़ा भी नवा ट्रांसपोर्ट मैथड आएगा दैट विल बी मोर कन्वीनियंट, दैट विल बी मोर फास्टर, मोर एफिशेंट. एफिशेंट मतलब वह खर्चा भी घट आएगा, प्लस दैट विल बी मोर सेफर. सो नेक्स्ट पॉइंट है टूरिस्ट कैन ऑल्सो बेनिफिट. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई टूरिस्ट आपकी कंट्री में आया है या किसी फॉरन कंट्री में गया है जहाँ पे फास्ट ट्रेन है, तो उसको बड़ा कन्वीनियंट रहेगा ट्रेवल करना. मैंने नीचे एक एग्जाम्पल भी डाला है. आप इस पैरा में जब इस पॉइंट को लिखोगे टूरिस्ट कैन बेनिफिट, सो यू विल ऑल्सो राइट दिस एग्जाम्पल दैट मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग, दीज टू सिटीज आर इन रशिया. मैं उत्थे पर्सनली भी गया. मैं पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस तुहाडे नाल शेयर कर रहा कि मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग आई वेंट ऑन अ हाई स्पीड ट्रेन. I went on a high-speed train, which took only 4 hours. सिर्फ 4 घंटे लगे. तुसी कहोगे 4 घंटे तो ज़्यादा है, but उसका जो distance था, that was more than 700 kilometers. Okay, so guys, पहले camera angle में cover नहीं हो रहा था, तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा था कि Moscow and Saint Petersburg Russia में है and they are 700 kilometers apart, 700 kilometers दूर है, and the train only took 4 hours. If I give you an example of an old train in from Chandigarh to Delhi, because it is about 250 kilometers, it takes about 4 hours. Agar hor desi train hai, unu 5-6 ghante bhi lag jande hai, sirf 250 kilometers.
लेकिन उत्थे फास्ट स्पीड ट्रेन सी, सो आई वॉज अ टूरिस्ट देयर, सो मैनू बड़ा कन्वीनियंट रहा। अगर वही ट्रेन 12-15-16 घंटे की होंगी तो मैं बहुत ही प्रॉब्लम होनी सी, बट दैट ट्रेन ओनली टुक 4 आवर्स, इट वॉज वेरी लग्जरी एंड इट वॉज हाई स्पीड, इट वॉज सेफ। सो ये इतने पॉइंट जो भी लिखना है टूरिस्ट वाला वो एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। दैन आई विल कम ऑन टू द अदर थिंग, अदर व्यू। एक व्यू तो लिखता उन्होंने सपोर्ट करता अपने आइडियाज़ के नाल, हुण तुसीं दूसरे व्यू में भी सपोर्ट करना है। दूसरा व्यू सीगा कि जो मेरा एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट है उन्होंने इंप्रूव करना चाहिए, तो तुसीं लिखो डेफिनेटली वी कैनॉट इग्नोर द एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट, इंप्रूवमेंट्स इन बस एंड ट्रेन शुड डेफिनेटली बी देयर, कि अगर कोई टुटिया हुई ट्रेना या बसा टुटिया हुई उन्होंने रिपेयर करना चाहिए, उन्होंने सेफ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में पहले बहुत केसेस हुए थे, तो उन्होंने उसके बाद CCTV कैमराज इंस्टॉल किए, तो उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो एग्जिस्टिंग ही था लेकिन उसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स की। तो आप ये एग्जाम्पल लिख भी सकते हो। नेक्स्ट आ गया कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट, कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो फ्रीकुएंसी तुम इनक्रीज कर सकते हो। दैट मीनस कि अगर तुम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अपनी सिटी जाते हो वो थोड़े को बस हर अद्धे घंटे बाद आती है, सरकार को चाहिए कि ज़्यादा बसेस चलान ताकि हर अद्धे घंटे की बजाय हर 15 मिनट चाहे हर 10 मिनट चाहे। नेक्स्ट हो गया मेकिंग द एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट मोर इफेक्टिव एंड लग्जूरियस, कि अगर थोड़ा को एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट है तुसी उसी नू बेटर कर सकते हो, उसी दे विच एयर कंडीशनर तुसी लगा सकते हो, उसकी सीट बेटर कर सकते हो ताकि जो कम्यूटर्स है उन्होंने बेटर हो। तो ये दोनों व्यू पॉइंट्स अलग अलग पैराग्राफ से डिस्कस करने हैं। मैं फिर रिपीट कर देना, पहला इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर फास्ट ट्रेन्स के बारे में मैं सेकंड पैरा में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ अग्री करता हूँ, मैं लास्ट में अपना ओपिनियन इसके फेवर में दूंगा। उसके बाद थर्ड पैरा में आप एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट की बात कर दोगे, और लास्ट में आप क्या करोगे, आप लास्ट में अपना समअप कर दोगे, और समअप में आप लिख सकते हो कि इन द एंड आई बिलीव दैट दिस इज द वे फॉर फ्यूचर, कि फास्ट ट्रेन इज द वे फॉर फ्यूचर, बिकॉज ऑन फ्यूचर जनरेशन they want to save time, they want to be safer, they want to have better transportation. So I think that rather than improving the existing transport, government should focus on building new and fast railway. So if you want to read the example of this task, this question is given on page number 72 in this book, and the answer you can find is on page number 129. So if you can see page number 129, उन्होंने लिखा this is an answer written by a candidate who achieved a band 7.5 score. Here is the examiner's comment. The examiner ने सारा उसके बारे लिखा हुआ है और नीचे उन्हें description दी है, तो तुम इस चीज़ को पढ़ सकते हो और इतों आइडिया गेन्स कर सकते हो, इतों भी तुम आइडिया ले सकते हो, तो अपने ऐसे अजय करना है। ओके, बाय।